नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीम 2020 में आपका स्वागत है। सिक्योरिटी के रिवीजन का ये हमारा आठवां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जनवरी महीने के सिक्योरिटी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल INS सुमेधा के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये INS सुमेधा जो है ये एंटी पायरेसी पेट्रोल वेसल है। कंटेस्ट ये है, गल्फ ऑफ एडन के पास एक वेसल फंस गया था जिसको बचाया गया INS सुमेधा के द्वारा। हम इस INS सुमेधा के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करें। इसे कमीशन किया गया था, यानी इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में इसे शामिल किया था 2014 में। INS सुमेधा को डिजाइन और बिल्ड किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। हमारा एक प्रोजेक्ट है स्वदेशी नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का, और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत INS सुमेधा जो है वो तीसरा वेसल है जो कि इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। INS सुमेधा को इंडक्ट करने का मकसद ये है, इंडियन नेवी की जो जरूरतें हैं ओशियन की मॉनिटरिंग से संबंधित, ओशियन में पेट्रोलिंग से संबंधित या फिर ओशियन की सर्विलियंस से संबंधित, इंडियन नेवी की इन जरूरतों को पूरा किया जा सके। शिप में देखो एडवांस वेपन और सेंसर सिस्टम है, लेटेस्ट नेविगेशनल सिस्टम है और अर्ली वार्निंग रडार भी लगा हुआ है। इसके अलावा चैफ लॉन्चिंग फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है INS सुमेधा में। क्या मतलब है इसका? देखो, इसका मतलब ये है, मान लीजिए INS सुमेधा पर कोई रडार गाइडेड मिसाइल लॉन्च कर दी गई है, तो INS सुमेधा में ये जो सिस्टम है चैफ लॉन्चिंग फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन क्या करेगा, इस प्रकार के रॉकेट्स काफी सारे एकदम से लॉन्च कर दिए जाएंगे। मकसद इन रॉकेट्स को लॉन्च करने का यह होता है, रडार को मिसगाइड किया जा सके। मतलब जहां से मिसाइल लॉन्च की गई है INS सुमेधा की तरफ, उस रडार को मिसगाइड किया जा सके। और मिसगाइड कैसे किया जाएगा? एकदम से INS सुमेधा से ये छोटे छोटे रॉकेट्स लॉन्च कर दिए जाएंगे बहुत सारे, तो रडार जो है वो मिसगाइड हो जाएगा और वो अपना निशाना चूक जाएगा, निशाना मिसाइल जो है INS सुमेधा से नहीं टकराएगी। ये मतलब होता है चैफ लॉन्चिंग फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन का। इसके अलावा देखो INS सुमेधा में इंटीग्रेटेड ESM सिस्टम भी है अपने असाइंड मिशंस को पूरा करने के लिए। ESM का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर्स। अब हम देखो लोकेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे INS सुमेधा ने एक वेसल को रेस्क्यू किया, बचाया। वो वेसल देखो गल्फ ऑफ एडन के पास था। गल्फ ऑफ एडन की लोकेशन यहाँ है, और ये है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब, और यहाँ पर है रेड सी। UPSC इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती हैं कि बाब अल मंडब जो है, ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब ये कौन कौन से सीज के बीच में है या फिर गल्फ के बीच में है, तो आप आसानी से बता सकते हो ये जो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडब है ये रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है, और ऊपर है स्ट्रेट ऑफ होर्मज जहां पर ईरान के द्वारा ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। UPSC क्वेश्चन देखो इस प्रकार से भी पूछ सकती है, गल्फ ऑफ एडन के साथ कौन से देश लगते हैं? ऊपर यमन, नीचे सोमालिया। रेड सी में कौन कौन से देश लगते हैं? सूडान, अरीट्रिया, यहां पर जिबूती है छोटा सा देश। जिबूती में चाइना का पहला फॉरेन मिलिट्री बेस है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल GOCO मॉडल के बारे में है, यानी गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटर मॉडल। कंटेस्ट देखो ये है, इंडियन आर्मी ने इस GOCO यानी गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल पर काम करना स्टार्ट कर दिया है। इस मॉडल में होता क्या है, मालिकाना हक रहता है सरकार के पास, बट ऑपरेशंस चलाए जाते हैं प्राइवेट कंपनी के द्वारा या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल आर्मी की कोई वर्कशॉप है। अब देखो वर्कशॉप अभी इंडियन आर्मी के द्वारा चलाई जाती है, एफिशिएंसी कम है, खर्चा ज़्यादा आता है, तो इस GOCO मॉडल के तहत होगा क्या, सारा सामान गवर्नमेंट का ही होगा। मतलब लैंड गवर्नमेंट का होगा, मशीनरी सरकार की होगी, सारा का सारा सपोर्ट सिस्टम भी सरकार का होगा, लेकिन वर्कशॉप को चलाया किसके द्वारा जाएगा, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब देखो प्राइवेट कंपनीज के बीच कंपटीशन होगा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए, एफिशिएंसी आएगी वर्कशॉप की वर्किंग में, वर्कशॉप इफेक्टिव रूप से काम करेगी और लागत भी कम आएगी,
तो ये पूरा मॉडल है गवर्नमेंट ओन्ड एंड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड, मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा लेकिन ऑपरेशंस चलाए जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। देखो हमारी आर्म फोर्सेस, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और आर्म फोर्सेस पर सरकार के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसे स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेखटकर कमेटी। इस कमेटी ने काफ़ी सारी अपनी रिकमेंडेशंस दी और उनमें से एक रिकमेंडेशन ये थी कि इंडियन आर्मी के द्वारा और बाकी जो आर्म फोर्सेस हैं उनके द्वारा भी इस मॉडल को फॉलो किया जाए, GOCO मॉडल। क्योंकि देखो अगर इंडियन आर्मी का फोकस इन चीज़ों पर कम होगा, वर्कशॉप या फिर इस प्रकार की दूसरी एक्टिविटीज़ पर, तो वो कॉम्बैट पर ज़्यादा फोकस कर सकेंगे, मतलब लड़ाई के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रह सकेंगे। और बाकी जो ये प्राइवेट कंपनीज हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, इनको फुल इंडिपेंडेंस दी जाएगी और इनको बता दिया जाएगा आपको इस प्रकार से काम करना है, तो वो ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके ज़्यादा बेहतर ढंग से अपने काम को कर सकेंगे, अपने मिशन को अचीव कर सकेंगे। सिग्निफिकेंस इस मॉडल की यही है, जैसा हमने डिस्कस किया, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, कम समय में ज़्यादा टारगेट्स अचीव किए जा सकेंगे और आर्म फोर्सेस जो हैं वो अपने रियल वर्क पर ज़्यादा ध्यान दे सकेंगी। एलिजिबिलिटी क्या है इस मॉडल के अंतर्गत, मतलब कौन सी जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अप्लाई कर सकती हैं ऑपरेशंस चलाने के लिए, इंडिया में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है कंपनी का, 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उस डोमेन में जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड लगवाई जा रही है, और पिछले 3 सालों के हिसाब से एवरेज जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया GOCO मॉडल के बारे में। चलते हैं आगे। एक जॉइंट नेवल ड्रिल है पाकिस्तान और चाइना के नेवी के बीच, तो हमारी ये एक्सरसाइज नहीं है, पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर पूछ लिया जाए सी गार्डियंस 2020 क्या है, पाकिस्तान और चाइना के बीच ऑर्गेनाइज हुई ये जॉइंट नेवल ड्रिल है और कहाँ पे हुई, ये तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल साइबर आश्वस्त के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने 11 जनवरी 2020 को देश की फर्स्ट साइबर क्राइम प्रिवेंशन यूनिट को लॉन्च किया जिसका नाम है साइबर आश्वस्त। साइबर आश्वस्त देखो गुजरात के लिए है। क्या काम होगा इस यूनिट का, देखो ये जो यूनिट है वो विश्वास और नेत्रंग के साथ मिलकर गुजरात में साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करने का काम करेगी। वैसे देखो ये साइबर आश्वस्त जो है वो एक एक्सक्लूसिव ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर जाकर सिटीजन्स जो हैं साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। आश्वस्त क्या करेगा, ये पोर्टल देखो गुजरात में साइबर क्राइम्स को मॉनिटर करेगा, प्रिवेंट करेगा और कंट्रोल करेगा। क्योंकि देखो साइबर आश्वस्त जो है दो और प्रोजेक्ट्स की हेल्प लेगा, विश्वास और नेत्रंग, तो इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। विश्वास जो है, विश्वास का पूरा नाम है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी, ये भी आश्वस्त के साथ ही लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये होगा गुजरात में लाइन ऑर्डर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना, ट्रैफिक जो है ट्रैफिक को प्रोएक्टिवली मैनेज करना और कंट्रोल करना, क्राइम को डिटेक्ट करना और क्राइम को कंट्रोल करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाएंगे विश्वास प्रोजेक्ट के तहत। किसकी सहायता से, वीडियो एनालिटिक्स और पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड वीडियो फोरेंसिक्स की सहायता से, समझ गए, मतलब वीडियो फोरेंसिक्स और वीडियो एनालिसिस इन सब चीज़ों का सहारा लेकर गुजरात में लैंड ऑर्डर मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जाएगा, ट्रैफिक को प्रोएक्टिवली मैनेज और कंट्रोल किया जाएगा, क्राइम को डिटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये जो नेत्रंग प्रोजेक्ट है, नेत्रंग प्रोजेक्ट में देखो गुजरात के जो 33 जिले हैं वहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया गया है नेत्रंग प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो नेत्रंग और विश्वास इन दोनों प्रोजेक्ट्स की सहायता से साइबर आश्वस्त जो प्रोजेक्ट है इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। और साइबर आश्वस्त प्रोजेक्ट कौन से स्टेट के लिए है, गुजरात के लिए। क्या हुआ है इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए यूनिट इस्टेब्लिश की गई है, पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है जनता के लिए, जनता इस पोर्टल पर जाकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती है। चलते हैं आगे। अब देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो भी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स के द्वारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर
इनाग्रेट किया गया और यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भीम नेशन को समर्पित किया, यानी देश को समर्पित किया। हम बात करें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की, इसको अप्रूव किया गया था 2018 में ताकि इंडिया में साइबर क्राइम से लड़ा जा सके बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। कहाँ पर है ये सेंटर? देखो दिल्ली में है। इस सेंटर के अंतर्गत देखो 7 कंपोनेंट्स आते हैं। सबसे पहले नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर ज्वाइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, साइबर क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट और सबसे लास्ट में नेशनल साइबर रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर। ये 7 कंपोनेंट्स आते हैं इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंतर्गत। इसके बाद है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये भी समर्पित किया गया यूनियन होम मिनिस्ट्री ने देश को। ये देखो एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है। इस पोर्टल की सहायता से सिटीजन्स जो हैं ऑनलाइन, उन्होंने जो भी साइबर क्राइम फेस किया है वो उस साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। एक बार हम साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर देंगे इस पोर्टल पर तो जो अथॉरिटीज हैं वो देखो सभी कंप्लेंट्स को रिक्वेस्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को ट्रांसफर कर देंगे ताकि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं एक्शन लें इन रिपोर्ट्स पर। देखो ये जो पोर्टल है ना, ये कुछ नया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कल परसों बनकर तैयार हुआ है। जब अपना चैनल हैक हुआ था तो इस पोर्टल पर जाकर रिपोर्ट किया गया था और बाद में इस प्रकार के मैसेज भी आते हैं, आपकी कंप्लेंट ट्रांसफ़र हो गई है, आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ये हैं, इस पुलिस स्टेशन में आपकी जो रिपोर्ट है वो ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। मतलब यूट्यूब वालों ने खुद ही अकाउंट दोबारा लुटाया जब आप सब ने ट्वीट किया था, आपको याद होगा। बट दो जगह, एक जगह पर फिजिकल FIR भी दर्ज करवाई गई थी और दूसरा ये ऑनलाइन, इनका कोई नतीजा नहीं निकला, अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक बार फ़ोन करके भी पूछा था कि ये जो FIR करवाई थी इसका क्या प्रोग्रेस हुई, क्या आपने तहकीकात की, तो उन्होंने यही कहा कि आप वेट कीजिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। बट अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, आगे आता हो तो पता नहीं। लास्ट में देखो दो और चीज़ें हैं। एक है साइबर स्वच्छता केंद्र, ये बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर है। यहाँ से देखो आप टूल्स डाउनलोड कर सकते हो मलिशियस प्रोग्राम्स को डिटेक्ट करने के लिए। और साइबर सुरक्षित भारत योजना क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की योजना है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एसोसिएट किया है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के साथ और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ इस योजना के लिए। इस योजना के अंतर्गत साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अवेयरनेस फैलाई जाती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि ऑफिशियल्स को और जनता को बताया जा सके साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में और वो बेस्ट टूल्स एंड किट्स का इस्तेमाल करें साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए और साइबर थ्रेट को अवॉइड करने के लिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल स्पेशल नाटो क्लास डीजल फॉर इंडियन नेवी से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में वाइस एडमिरल GS पेबी ने अपग्रेडेड हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल को लॉन्च किया। देखो ये साइड में नाम जो है ना HFHSDIN512, ये नाम इम्पोर्टेंट है। बहुत बार UPSC इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती हैं विद रिस्पेक्ट टू HFHSDIN512, ये क्या है? फिर 4 ऑप्शंस दिए होंगे, ये एक प्रकार का डीजल है या फिर एक प्रकार की मिसाइल है, एक प्रकार का रॉकेट है, एक प्रकार का फर्टिलाइजर है, इस प्रकार से UPSC क्वेश्चन पूछ लेती हैं। तो ये हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल है, इसको डेवलप किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, इसको सप्लाई किया जाएगा हल्दिया और पैराडीप रिफाइनरी से। ये देखो यूनिक कॉम्बिनेशन है लो पोर एंड कोल्ड फिल्टर प्लगिंग पॉइंट एंड हाई फ्लैश पॉइंट का। सीटेन नंबर हाईएस्ट है इस फ्यूल का सभी मरीन डीजल फ्यूल्स में से। सीटेन नंबर का क्या मतलब होता है? सीटेन नंबर देखो ये इंडिकेट करता है किसी फ्यूल की कंबसन स्पीड कितनी है, मतलब फ्यूल के जलने की स्पीड कितनी है। फ्यूल के देखो काफ़ी सारे अच्छे करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे बेस्ट रियोलॉजिकल एंड डिटर्जेंट करेक्टरिस्टिक्स। रियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मैटर, कोई मैटर कैसे फ्लो करता है, कैसे डिफॉर्म होता है
उन सब चीज़ों की स्टडी को कहा जाता है रियोलॉजी। इन्वायरमेंट पर काफ़ी कम इम्पैक्ट होगा इस फ्यूल के जलने से, क्योंकि सल्फर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम है इस फ्यूल में। इसके अलावा ये फ्यूल काफ़ी बेटर क्वालिटी का है एज़ कंपेरिजन टू वो फ्यूल जो इस्तेमाल किया जाता है सभी फॉरेन नेवीज़ के द्वारा कंपलसरी रूप से बायलेटरल या फिर मल्टीनेशनल लॉजिस्टिक स्पोर्ट पैक्स में। चलते हैं आगे। आर्टिकल K9 वजटी गन के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। देखो 2016 में L&T कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया था डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कि हम 2020 से पहले 100 K9 वजटी गन की डिलीवरी आपको देंगे। 10 K9 वजटी गन की डिलीवरी ऑलरेडी हो चुकी है और अब 51 और K9 वजटी गन L&T कंपनी ने इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को सौंप दिए हैं। इसके लिए एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई, कहां पर, गुजरात के हजीरा में L&T का आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स है। ये देखो काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 700 एकड़ से बड़े एरिया में ये कॉम्प्लेक्स फैला हुआ है। यहां पर काफी कॉम्बैट व्हीकल्स का निर्माण होता है और भी दूसरे जो टेंडर मिलते हैं L&T कंपनी को उनको कंप्लीट किया जाता है इस कॉम्प्लेक्स में। तो खैर हम इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं K9 वजटी गन के बारे में। ये ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्जर है। होविट्जर मतलब एक छोटी गन जिसका इस्तेमाल किया जाता है कम स्पीड पर हाई ट्रैजेक्टरीज पर शेल को फायर करने के लिए। ऑलरेडी हमारे पास जो K9 थंडर है उसी का वेरियंट है ये K9 वजटी गन। और देखो इस K9 वजटी गन की सहायता से हायर रेट पर लंबी दूरी तक के टारगेट को हिट किया जा सकता है। इंडिया का या फिर नाटो का जो एमनिशन स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पर खरा उतरती है ये गन K9 वजटी गन। हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के अंतर्गत एक प्रोग्राम है बाय ग्लोबल। इस प्रोग्राम में फॉरेन कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत K9 गन को डेवलप किया गया है। इस केस में देखो L&T का जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो है हनवा टेकविन, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल डिस्कस किया K9 वजटी गन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल जूस जैकिंग के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को आगाह किया है जूस जैकिंग के बारे में। जूस जैकिंग देखो एक प्रकार से साइबर अटैक होता है। आपने देखा होगा पब्लिक में कई बार इवन हम भी इस प्रकार से जो चार्जिंग स्लॉट्स होते हैं उनके साथ डेटा केबल लगी होती है और उनकी सहायता से हम अपना फ़ोन चार्ज करने लगते हैं। लेकिन देखो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हैकर्स इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन को हैक करने के लिए, क्योंकि यही डेटा केबल इस्तेमाल होती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हैकर्स क्या कर सकते हैं, इस केबल के थ्रू आपके फ़ोन में मालवेयर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। मालवेयर मतलब एक प्रकार से ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसी फाइल जो कि आपके फ़ोन को हार्म पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। सिंपल मतलब होता है मालवेयर का मालिशियस सॉफ्टवेयर। तो एक बार आपका फ़ोन मालवेयर से इन्फेक्ट हो गया तो बाद में देखो आपका फ़ोन का जो डेटा है वो इरेज हो सकता है। हैकर आपसे फिरौती मांग सकता है कि अगर आपको आपका डेटा वापस चाहिए तो आप इतना पैसा दो। इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट्स को भी हाईजैक किया जा सकता है। तो आवश्यकता ये है पब्लिक में जब भी आप अपना फ़ोन चार्ज करो प्रिकॉशंस बरतो, फ़ोन को पहले स्विच ऑफ कर दो या फिर पावर बैंक हमेशा अपने साथ कैरी करो ताकि पब्लिक में इस प्रकार से फ़ोन को चार्ज करने की आवश्यकता पड़े ही ना। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया जूस जैकिंग के बारे में। अगर UPSC पूछ लेती है ये जूस जैकिंग क्या है तो आप बता सकते हो एक प्रकार का साइबर अटैक है डेटा केबल की सहायता से हैकर्स के द्वारा फोन में मालवेयर को इन्फेक्ट किया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल विंग्ड राइडर के बारे में है। ये देखो बिगेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई। एयरबोर्न एक्सरसाइज मतलब हवाई एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में 500 स्पेशल फोर्सेज ट्रूप्स ने हिस्सा लिया। मकसद देखो इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करने का ये भी था, ये साबित करना हवाई मिशंस के लिए हमारे पैराट्रूपर्स या फिर जो एयर वॉरियर्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। एयरफोर्स के ऑलमोस्ट सभी एयर ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स ने हिस्सा लिया इस एक्सरसाइज में।
चूंकि देखो ये एक्सरसाइज है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में ऑर्गेनाइज हुई, तो हमने एक प्रकार से चाइना को भी सिग्नल दिया कि इस फ्रंटियर पर भी हमारी जो मिलिट्री है वो पूरी तरह से मुस्ताद है। अक्टूबर 2019 में इंडियन आर्मी ने हिम विजय एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज किया था अरुणाचल प्रदेश में, ताकि हमारी फोर्सेस की मोबिलिटी, कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन इन सबको परखा जा सके। सॉरी, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इन्होंने भी पहली बार इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया, विंग्ड राइडर एक्सरसाइज। ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप क्या है? देखो, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप की संरचना की गई है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को अमली जमा पहनाने के लिए। ब्रिगेड टाइप की कॉम्बैट फॉर्मेशन है ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, जो बहुत ज्यादा फुर्तीली होती है। इसका यूज कब होगा? इसका यूज देखो तब होगा, मान लीजिए पाकिस्तान ने हमारे देश में कोई हमला करवाया और हमें लगता है पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो हमारे कुछ यूनिट्स यानी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ये जल्दी से जाएंगी पाकिस्तान के किसी स्पेसिफिक एरिया में और उस एरिया पर कब्जा कर लेंगी। मतलब इससे पहले कि पाकिस्तान रिएक्ट करें, पाकिस्तान के कुछ एरिया पर हम कब्जा कर चुके होंगे। तो ये है हमारा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। इसी डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप इस्टाब्लिश किए गए हैं, ताकि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। चलते हैं आगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल K4 मिसाइल के बारे में है, क्या कंटेस्ट है? इंडिया ने सफलतापूर्वक K4 मिसाइल का टेस्ट किया। K4 मिसाइल देखो न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। किसके द्वारा मिसाइल को डेवलप किया गया है? मिसाइल को डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। मैक्सिमम रेंज इस मिसाइल की है 3500 किलोमीटर। सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है इस मिसाइल में प्रोपल्सन के लिए। इस मिसाइल को कहां पर फिट किया जाएगा? हमारी जो स्वदेशी अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, इस सबमरीन में K4 मिसाइल को फिट किया जाएगा। अभी देखो US, रशिया, चाइना, ये तीन देश हैं जिनके पास 3500 किलोमीटर रेंज की तक की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। एक खास बात K4 मिसाइल की ये भी है, सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी जो है K4 मिसाइल की वो 40 मीटर या फिर इससे कम है। क्या मतलब होता है सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी का? देखो ये हमें बताती है कि वेपन सिस्टम को कितनी एक्यूरेसी के साथ डिलीवर किया जा सकता है। अगर एक्यूरेसी ज्यादा होती है तो मतलब संभावना ज्यादा है टारगेट को हिट करने की। कहने का मतलब सिंपल है, K4 मिसाइल की जो एक्यूरेसी है काफी अच्छी है। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, K4 मिसाइल किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन, ये एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा ऑप्शन, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तीसरा ऑप्शन, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। और चौथा ऑप्शन, एंटी टैंक मिसाइल है। तो ए जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, K4 मिसाइल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट आर्टिकल है जॉइंट पेट्रोल मिशन के बारे में, जॉइंट पेट्रोल मिशन के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, अभी इंडिया एंड फ्रांस ने ये मिलकर डिसाइड किया है कि ये दोनों की जो नेवी है वो 2020 में एक जॉइंट पेट्रोल मिशन स्टार्ट करेगी। एंड कहाँ पे ये पेट्रोलिंग करेंगी? तो ये आपके इंडियन ओशन में यहाँ पे पेट्रोलिंग किया जाएगा। एंड कौन कौन से मतलब जो ऑपरेट किएंगे, मतलब कहाँ से ये होगा? तो जो इंडिया की तरफ से देखिए जो ऑपरेट किया जाएगा वो P8I जो मैरिटाइम है, या आपकी P8I नेवी का एक एयरक्राफ्ट है, ये पेट्रोलिंग करेगा, ठीक है। एंड जो फ्रेंच नेवी है ये रियूनियन आइलैंड से करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रियूनियन आइलैंड आपका किसका, तो ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रेंच का, ये फ्रांस का ओवरसीज आइलैंड है। तो इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि रियूनियन आइलैंड इज द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सरसाइज अपहरण के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, अभी जो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी ये कंडक्ट करवाई गई थी इंडियन नेवी एंड उनके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कोचिन पोर्ट ट्रस्ट। एंड ये देखिए एक एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज थी। बेसिक मकसद यही था कि अगर कोई भी जो जो नेवल वेसल है अगर उसको हाईजैक कर लिया जाए तो कैसे उसको छुड़ाया जाए। एंड इसी चीज़ को एंटी हाईजैकिंग एक्सरसाइज में प्रैक्टिस किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल दो छोटे छोटे हैं, इसको देख लेते हैं। तो पहला है देखिए लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के बारे में। क्या कंटेक्स्ट है?
तो देखिए, जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है ये पूछा जा सकता है, ये है क्या? रिसेंटली सीन इन न्यूज इज, सो इट्स एन एम्फीबियस शिप। एंड देखिए इसका जो मकसद क्या है कि ये देखिए, अगर आप ये लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो बैटल टैंक्स हैं, ये इसके थ्रू आपका जो टैंक्स एक्सेट्रा है उसको ये शोर तक पहुंचा सकती है। तो ये काफी बड़ी एक एम्फीबियस शिप है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच की एक टॉक हुई है, उसके बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? तो देखिए, अभी 49th बॉर्डर कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्रेंस, इसको देखिए हेल्ड किया गया था बिटवीन द डायरेक्टर जनरल्स ऑफ बोथ दीज फोर्सेस। इंडिया की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था एंड बांग्लादेश की तरफ से बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश था। एंड ये न्यू दिल्ली में अभी कन्वीन की गई थी। तो यही इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं। इसको मेंस इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग कोट किए जा सकते हैं। जब भी अगर इंडिया एंड आपके बांग्लादेश के बीच में क्वेश्चन आए, तो आप ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि BSF एंड BGB के बीच में ऐसी इस टाइप की एक टॉक हेल्ड की जाती है, एंड जिससे कि दोनों जो जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं उस पर आपकी पीस बनी रहे। एंड फिर तो देखिए वही सब बातें हैं कि ये हर हर साल होती है, मतलब 2 साल में एक बार होती है, ठीक है, एक साल में सॉरी 2 बार होती है, एंड एक बार इंडिया में होती है एंड एक बार बांग्लादेश में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।